ठहरे, क्यों सदियों से ये टूट रहे हैं, इन्हें सजने का हक नहीं। मेरे हाथों को ये जानने का हक है रहे, क्यों बरसों से ये खाली है और आज भी काम नहीं। क्यों बरसों से ये खाली है और आज भी काम नहीं। मेरे पैरों को ये जानने का हक है रे, क्यों गांव में चलना है पर बस का निशान नहीं। क्यों गांव में चलना है और बस का निशान नहीं। मेरी भूख को ये जानने का हक है रे, गोदाम भरे पड़े हैं और मेरे लिए मुट्ठी भर अनाज नहीं। गोदाम भरे पड़े हैं और मेरे लिए मुट्ठी भर अनाज नहीं। और मेरी बूढ़ी माँ को ये जानने का हक है रे, क्यों उसके पास दवाई नहीं, सुई नहीं, अस्पताल नहीं। और मेरे बच्चों को ये जानने का हक है रे, क्यों रात दिन करे वो मजदूरी, गांव में शाला नहीं। इतनी प्यारी पोएम है ना। अच्छा तो मुझे बताओ, इसे बार बार क्या कहा जा रहा है, बताएंगे मुझे? यस मैम, यस मास्क नीचे करके बताइए बेटी, क्या कहा जा रहा है इसमें बार बार? इस पोएम में ये कहा जाता है कि गरीब लोगों को क्या मतलब, हाँ बोलो, गरीब लोगों की यहाँ इज्जत नहीं है कोई, मतलब गरीब लोगों के यहाँ अनाज नहीं है, मतलब वो जानना चाह रहे हैं। यस मैम, कि अनाज के गोदाम तो भरे पड़े हैं लेकिन हमारे पास मुट्ठी भर भी नहीं है। यस हाँ बेटे, गरीब बच्चों को ये जानना का हक है कि उनके पास मुट्ठी भर अनाज नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, काम नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी। यस बेटे, आज भी बहुत सारे लड़के हैं जो जिन्हें काम नहीं मिल रहा है और उनके बच्चों को भी काम करना पड़ रहा है दूर दूर से और खाने को भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी, मतलब वेरी गुड, मतलब ये पोएम बार बार कुछ जानना चाह रही है, जानना चाह रही है गोदाम भरे पड़े हैं अनाज क्यों नहीं है, जानना चाह रही है अभी भी गाँव में अस्पताल क्यों नहीं है, जानना चाह रही है कि बहुत सारी जगह अभी भी ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं है। हर बात पूछ रहे हैं ना, जानने का हक है रे, जानना चाह रही है कुछ। अच्छा आप बताओ, आप भी कुछ जानना चाह रहे हो क्या, आपके मन में भी कुछ है क्या, बताइए। कोई बच्चे जानना चाह रहे हैं कुछ, बोलो बेटे। कभी मन में आता है कि हमें ये जानना है, किसी भी बच्चे के दिमाग में? यस, आपके गांव में स्कूल है, वहां पर अभी भी टीचर्स ऑफिस में बैठे रहते हैं और
मांग सकती हूँ। संपादक की ये वर्डिंग थे कि आपने तो सिर्फ चार ही क्लास पढ़े हैं, आप तो पढ़े लिखे नहीं है, आपको राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, जब मैं अपने बेटे को 10 रुपए देके भेजती हूँ ना, तो मैं अपने बेटे से आके हिसाब मांगती हूँ। बताइए आपने कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्च किया, मतलब आपने 10 रुपए कैसे खर्च किए। तो गवर्नमेंट तो हमसे टैक्स लेती है, अरबों खरबों करोड़ों रुपए का टैक्स लेती है। क्या मुझे गवर्नमेंट से जानने का हक नहीं है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं वो कहाँ खर्च हो रहा है? जानने का हक है या नहीं है? तो यहाँ से शुरुआत होती है राइट टू इंफॉर्मेशन की बेटे। और आपको पता है राइट टू इंफॉर्मेशन की ये शुरुआत जो की, इसके लिए अरुण राय को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। बहुत बड़ा अवार्ड है रमन मैग्सेसे अवार्ड बेटे, एशिया का, एशिया का महाद्वीप। पता है ना आपने महाद्वीप पढ़े थे, कितना बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा अवार्ड है रमन मैग्सेसे, राइट। वो अवार्ड किसको मिला है? अरुणा रॉय को मिला है। और फिर 2005 में राइट इंफॉर्मेशन सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि उस अभी तो जम्मू कश्मीर क्या है, यूटी है। क्या है जम्मू कश्मीर अभी? यूटी। लेकिन उस टाइम जम्मू कश्मीर के अपने रूल चलते थे वहां पर, राइट। तो वहां पर राइट इंफॉर्मेशन नहीं आया था वहां के लोग, तब भी 2005 में भी राइट नहीं था उनके पास इंफॉर्मेशन मांगने का, ठीक है ना। अब आपको पता है राइट टू इंफॉर्मेशन में आप क्या क्या चीजें मांग सकते हो। आपके पास अगर आपसे सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, तो सरकार का जो बजट है, पॉलिसी वो लेके आ रही है, सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, आप पूछ सकते हो सरकार से, राइट। आप किसी गवर्नमेंट संस्था के अंदर, उस संस्था में पैसा कैसे खर्च हो रहा है, उसको यूटिलाइज किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, आप पूछ सकते हो। आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, हक है आपको, राइट। आपको क्या है? हक है ये जानने का कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ खर्च होता है, राइट। आपको जानने का हक है कि सरकार ने किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए आपकी गुजरात सरकार ने लड़कियों के लिए कोई स्कीम चलाई, राइट, और उस स्कीम को एक पर्टिकुलर रकम दी, पैसे दिए। तो जान सकते हैं आसपास के लोग कि कितना पैसा खर्च हुआ, राइट। और अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था बहुत अच्छा कि टीचर्स वहां पढ़ा नहीं रहे, आप आरटीआई लगा सकते हैं, राइट। हम आरटीआई लगा सकते हैं और हम जान सकते हैं कि हम तो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, टीचर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ये हमें जानने का हक है। कविता में भी तो यही जाना जा रहा है कि काम क्यों नहीं है, अनाज क्यों नहीं है, या फिर सब सिर्फ कुछ लोग अपनी ही जेबें भर रहे हैं, ठीक है ना। तो राइट टू इंफॉर्मेशन पता चला कैसे कैसे शुरू हुई थी, राजस्थान से शुरू हुई थी, राइट। अरुणा राय का बहुत बड़ा योगदान है इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन में। फिर 2005 में ये पूरे देश में लागू हो गया, जस्ट जम्मू कश्मीर को छोड़ के। और आप किन किन चीजों के बारे में जान सकते हो? आप किसी सरकारी कागजात के बारे में जान सकते हो, आपको लगे कि कुछ फ्रॉड हुआ है, कोई गलत तरीके से पास हुआ है, आप आरटीआई लगा सकते हैं, राइट। आपको सरकार के पैसे का पता करना है, आप आरटीआई लगा सकते हैं। किसी सरकारी विभाग से कोई इंफॉर्मेशन मांगनी है, आप आरटीआई लगा सकते हैं, राइट, क्लियर। लेकिन आरटीआई लगानी हमेशा ऑथेंटिक होती है बेटे, ये नहीं आप किसी की पर्सनल लाइफ की इंफॉर्मेशन मांग रहे, ऐसा नहीं। और जो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लाइफ से रिलेटेड है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको 48 घंटे में मिल सकती है। और जो अदर इंफॉर्मेशन होती है विद इन 1 मंथ। यस बेटे, मैम इसका यूज कैसे करते हैं? यस, कैसे आरटीआई का यूज करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको आरटीआई का फॉर्म मिलता है, राइट, वो फोन से करना होता है, जैसे आपके पेरेंट्स लगा सकते हैं आरटीआई, राइट। और उसमें क्या है, फोन फिल करने के अंदर उसके अंदर सारी कंडीशन आती है, आप कहाँ आरटीआई, मान लीजिए आपको किसी स्कूल के अंदर ही आरटीआई लगानी है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, किस विभाग से लेनी है उस विभाग का नाम मेंशन करोगे, ठीक है, और जहां से लेनी है आपको उसका
टोल देते हैं, तो टोल अभी भी कोई कोई जगह पे रास्ते ठीक नहीं और एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इतना टोल जाता कहाँ है, इससे रास्ते क्यों ठीक नहीं होते। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कई बार क्या होता है बेटे, देखिए समस्या बहुत ढोल है, सही है, आपको जानने का हक है। जब हम टोल दे रहे हैं तो हमारी गाड़ी भी स्मूथली चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो हम जान सकते हैं भाई, ये जो रोड कंस्ट्रक्टेड हुआ है, ये जो रोड बना है, इसके लिए जो टेंडर था, जिसको हमने टेंडर दिया है, राइट, उसने इसको प्रॉपर ढंग से, मतलब कितना इस पे पैसा खर्च किया है, किस तरह का मेटेरियल यूज किया है। लेकिन ना बेटे, कई बार ना इनमें प्रॉब्लम सी आती है, कोई भी जो एक्ट होता है ना वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होता। कई बार क्या होता है, चीजें क्यों कई तो हम अवेयर नहीं होते, हम जाना ही नहीं चाहते। कई बार हम सोचते छोड़ो ना, होना ना जाना ना कुछ, ऐसा नहीं होता बेटे। इतना नहीं सोचना चाहिए कि कुछ होना ना जाना ना, आपको हक है जानने का।